अस्सलाम वालेकुम, रंगजेब अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जरदा बना रहे हैं, जो शादियों पर बनाया जाता है, उस रेसिपी से। इसमें हम 1 किलो राइस लिए हैं और 900 ग्राम जो है शुगर है। ये ब्राउन शुगर मैंने ली है, आप वाइट भी ले सकते हैं। और छुआरे हैं, ये गुलाब जामुन है, और फ्रूट मिक्स। ये 100 ग्राम मैंने आलमंड लिए हैं और 100 ग्राम जो है ये काजू लिए हैं, और 50 ग्राम जो है करी पाउडर है, 1 चम्मच ये लेमन कलर लिया है। आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। ये पानी मैंने चूल्हे पर चढ़ाया हुआ है, बोलते हैं लेमन, ये जरदा कलर भी इसे बोलते हैं, ये लेमन भी होता है लेमन कलर। इसको 1 राइस स्पून जो है वो इसमें डाल दिया है। और अब बॉयल होने तक इसको छोड़ देते हैं। ये पानी हमारा बॉयल हो चुका है, ये सेला चावल है, मैंने 1 घंटा पहले ही भिगो दिए थे। इसी कपड़े के साथ अच्छा सा साफ कर लें। ये साथ साथ चेक करते रहें, 2 कनी जब रह जाए चावल तो उस टाइम निकालने हैं। अभी इसको थोड़ा सा टाइम है, और तो इसमें ये बिल्कुल करीब करीब जब हो चावल तो इसमें काजू, बादाम और छुआरे डाल लेंगे। माशाल्लाह चावल हमारे जो है बेहतरीन हो चुके हैं। अभी इनको निकाल लेते हैं। पतीले में चीनी डाल लेते हैं। ये 1 किलो राइस में मैंने 900 ग्राम चीनी ली है, आधा कप पानी और इसमें आधा कप दूध डाल लेते हैं। और आधा चम्मच जो है मैंने ऑयल लिया है, अगर घी हो तो वो अच्छा है, मेरे पास ऑयल ही है।
इसको गाढ़ा होने तक हलाते रहें। ये हमारी चास तैयार हो चुकी है, ये देखें। मैं ज्यादा गाढ़ी नहीं करता, इसमें चावल डाल लेते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और एक दो बॉयल आने तक इंतजार करते हैं। ये हमारे चावल अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब इसको दम पर लगा देते हैं। दम के लिए मैं अखबार इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह होता है। पहले इसको अच्छी तरह बराबर कर लें। अखबार का ये फायदा है, जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह था वो ये पी लेती है। और चावल बहुत अच्छे निखर आते हैं। आप बिल्कुल धीमी कर दें। अगर सुपर बासमती चावल हों तो उनको 20 मिनट दम बहुत होता है। अगर सेला चावल हों तो इनको तकरीबन 35 मिनट या 30 मिनट दम लगाएंगे। ये सेला चावल है, इनको 30 मिनट के लिए दम लगाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा घंटा हो चुका है, हम इसका दम देखते हैं। माशाल्लाह जबरदस्त हो चुका है। सर्विंग के लिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और ऊपर इसके गार्निश कर लेते हैं। माशाल्लाह ये देखें, बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है। तमाम भाइयों से गुजारिश है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह।